तो वैसे आपको इस बैकग्राउंड को लेना है जिसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड यहाँ से एड फोटो में चलना है एंड अपने मॉडल का कटआउट ले लेना है। एंड आपको इसको इस तरह से परफेक्ट ऐड कर देना है। डिनीजन में चलना है एंड थोड़ा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि हेयर एक्स्ट्रा है। दिन ये साइड पर कर लेना है क्लिक। यहाँ से आपको इसे परफेक्टली ऐड कर लेना है एंड इसे कर लेना है डन। एंड उसके बाद सबसे पहले हमको यहाँ से चलना है एफएक्स में एंड आपको आर्टिस्टिक सेलेक्ट करना है। यहाँ से हर बार की तरह आपको पेटल वन ही चूज कर लेना है। इसको कर रखना है मल्टीप्लाई एंड इसके फेड को हम यहीं से 80 तक रखते हैं। यहाँ रेजर में चलते हैं, नोट करते हैं एंड ब्रश को सिलेक्ट करके हार्डनेस इंक्रीज कर देते हैं और इस तरह से आपको जो है पेंट करना है। तो इसमें यहाँ पे वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, आप जो इसे टाइम लगे करना। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, यहाँ से राइट पे करना है क्लिक एंड यहाँ से कर लेना है डन। नेक्स्ट आपको अगेन इफेक्ट्स में चलना है एंड यहाँ से आपको ब्लर सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको आपको इसको रखना है कुछ इतना, यहाँ से इन्वर्ट कर देना है हाँ, इसको कम कर देना क्योंकि इन फेस को स्मूथ करने के लिए इस तरह से आपको इसमें पेंट करना है। तो इसमें यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ वीडियो को पॉज करके। तो वैसे यहाँ पे मैंने कर लिया है, जब आपको ये ज़्यादा लगे तो इसके फेड को आप कम कर सकते हो। तो मैं इसको रखता हूँ फ्री तक एंड यहाँ से कर लेता हूँ डन। देन उसके बाद आपको चलना है टूल्स में, यहाँ से एडजस्ट में एंड ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना। तो मैं इसको रखता हूँ 22 एंड कंट्रास्ट को डाउन करता हूँ 12 तक एंड सिचुएशन को भी डाउन। तो इसको मैं रखता हूँ जितना दिन यहाँ चलेंगे रेज में नोट करेंगे एंड इस बार अपने फेस को वाइट करने के लिए हम इसमें पेंट करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको पेंट करना है सिर्फ अपने फेस पर। कुछ इस तरह से गाइस आपको भी करना है जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ। तो वैसे यहाँ पे मैंने कर लिया है, यहाँ से डन कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हो, बट मैं नहीं करूँगा। यहाँ से राइट पर कर लूँगा क्लिक दिन ये। उसके बाद आपको चलना है एड फोटो में एंड आपको हेयर पिन भी ले लेना है एंड इसकी वैलिडिटी को कम कर देना है आपको सबसे पहले। अच्छे से आपको इसको फिक्स करना है दिन लेजर में चलना है एंड आपको इस तरह से साइड को इरेस्ट करके इरेज कर देना है, सॉरी कुछ इस तरह से।
देन यहाँ राइट पर क्लिक करूँगा एंड इसकी ओपेसिटी को बढ़ा दूँगा। तो ये कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया है। देन यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट रह गया तो इसको कवर कर लेते हैं हम। नीचे यहाँ से आपको कर लेना है राइट पे द राइट पर क्लिक एंड उसके बाद जो आपको चुनना है एड फोटो में यहाँ से बैकग्राउंड एंड आप कोई से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद इसको इफेक्ट्स मिल जाएंगे। आर्टिस्टिक सेलेक्ट करके इसको फाइटल वन देन मल्टीप्लाई इसको से डाउन कर देते हैं। यहाँ से राइट पर कर लेंगे क्लिक। देन आपको इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है इसको एंड रिजन में चलना है इन्वर्ट कर देना है। एंड इस बार इसको जो है हम जो टी शर्ट है उस पर पेंट करेंगे। हो जाने के बाद यहाँ से राइट पे कर लेंगे क्लिक एंड उसके बाद स्क्रीन में ब्लेंडिंग में आएंगे एंड इसको हम रखेंगे मल्टीप्लाई एंड इसकी ओपेसिटी को आप कम कर सकते हो। तो मैं इसमें इसको 100 तक रखूँगा एंड यहाँ से कर लेंगे डन। उसके बाद अगेन फोटो में जाएंगे बैकग्राउंड में एंड इस बार जो है मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ से इन्वर्ट एंड इसको जो है हम सिर्फ अपने गॉगल पर पेंट करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से करेंगे डन एंड इसको ब्लेंडिंग मोड हम लाइटर रखेंगे एंड यहाँ से भी डन एंड जैसे अगर आपको अपने हेयर में कट देना है तो आपको टूल्स में जाना है देन यहाँ पे क्लोन भी क्लिक कर लेना है एंड जूम करना है एंड इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है अपने साइज को छोटा कर देना है उसको इंक्रीज कर देना है एंड कुछ इस तरह से जो है आप कट लगा सकते हो। यहाँ मैं छोटा कर देता हूँ इसको जी। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को आप कर देना हार्डनेस को रखता हूँ जी। आप यहाँ पर भी इस तरह से कट लगा सकते हो इस तरह से एडजस्ट कर देना थोड़ा थोड़ा ताकि रियलिस्टिक लुक आए। यहाँ से करना है डन। उसके बाद आपको लाइट फोटो में जाना है लाइट पेंटिंग को लेकर इसको आपको स्क्रीन कर देना है। यहाँ से जो है देख सकते हो लाइट इफेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे जी। इसके डुप्लीकेट बना लेते हैं और उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे जी। इसका एक और डुप्लीकेट लेंगे और इसको यहाँ पे कुछ इतना एक लास्ट डुप्लीकेट करेंगे और इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आए तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको कुछ इस तरह से एंड इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे हम 60 तक रखते हैं जिन यहाँ से कर लेते हैं डन। तो गाइस हमारी सभी फोटो एडिटिंग जो हो गई है कंप्लीट देख सकते हो।
तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। एंड यहाँ पे चलते हैं डॉटर में, क्लिक करके इसे कर लेते हैं। सो एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना।